नमस्कार दर्शकों, मैं सपना मौर्या और मेरे चटपटी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नई रेसिपी। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हम छोला की रेसिपी लेके आए हैं। ये काबुली चने की छोला है और इसमें खासियत सबसे एक ये बात है कि इसमें हम लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करेंगे और बिना लहसुन प्याज के ये छोला बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनाएंगे। तो चलिए बिना देर के छोला बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए शुरू करें। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे काबुली चने के छोले। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनाएंगे। ये हमने छोले 200 ग्राम लिया है, 200 ग्राम। इसको हमने 7-8 घंटे पानी में भिगो करके रखा था और इसका अब हम पानी निकाल लिए हैं और चने आप देख सकते हैं काफ़ी फूल के बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसका पानी हम निकाल लिए हैं, इसको करते हैं साइड। और इसके लिए सबसे खासियत है कि इसमें हम लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करेंगे। बिना लहसुन प्याज के छोले बनाएंगे, अब बहुत ही स्वादिष्ट एकदम बनेगा। आप देख के यकीन नहीं कर सकते कि बिना लहसुन प्याज के छोले हैं। तो उसके लिए हमने ये 3 छोटे साइज के टमाटर है, 3 हरी मिर्च है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको हमने अच्छे से धुल लिया है। इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। और तड़के के लिए ये हमने 1 चम्मच जीरा लिया है और ये 7 से 8 काली मिर्च है। ये 1 बड़ा तेज पत्ता है जिसको 2 भागों में कर ली हूँ। ये 2 छोटी इलायची है हरी वाली, इसको मैंने तोड़ लिया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा और ये 4 लौंग, ये हम खड़े मसाले का प्रयोग करेंगे। तो हमने गैस जला के कुकर रख दी हूँ। कुकर में बनाऊंगी, प्रेशर कुकर में बहुत टेस्टी छोला बनता है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच हम घी डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा छोला का। आप कभी भी बनाइएगा तो इसको डाल के देखिएगा, टेस्ट में अंतर आपको दिखेगा। चाहे तो आप घी स्किप कर सकते हैं लेकिन डालने से छोला बहुत अच्छा बनता है घी डालने से, तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अब इसको हम गर्म होने देंगे। तो अब हम इसमें जो खड़े मसाले लिए थे, ये सारा मसाला हम एक साथ डाल देंगे इसमें और मसाले को अच्छे से हम पकने देंगे। मसाला हमारा इसमें अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालने के बाद 1/2 चम्मच ये जीरा पाउडर डालेंगे और यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी इन सारे मसालों को हम गैस का फ्लेम यहाँ बिल्कुल स्लो रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो मेरे मसाले यहाँ पे जल जाएंगे। तो यहाँ ये स्टेप गैस का फ्लेम स्लो करके करें। तो मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग नहीं की हूँ। आपको अगर कलर चाहिए तो यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसी स्टेज पे डाल दें, मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें जो टमाटर और अदरक मिर्च का जो पेस्ट है, अब यहाँ पे मैं ये डाल दूंगी और इसको भी हम अच्छे से तेल छोड़ने तक इसको हम पका लेंगे मसालों में। और छोले में एक सीक्रेट है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 1 पतीला लेंगे और उसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और यहाँ पे ये हम 1/2 चम्मच ये है चाय पत्ती, इसको डाल करके और गैस का फ्लेम ऑन करके इसको हम पका लेंगे तब तक जब तक चाय अपना पानी में अच्छा सा कलर छोड़ दे, तब तक इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर दिख रहा है। इसका यही पहचान है, जब ऑयल मसालों से अलग हो जाए, ऊपर आ जाए, तो समझे कि हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। मसालों को एकदम अच्छे से पकाना ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी छोले में टेस्ट बढ़िया आता है। अभी इस स्टेज पे हम छोलों को इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, छोला हमने यहाँ पे बॉयल करके नहीं डाला है, डायरेक्ट छोला का मैं प्रयोग कर रही हूँ बिना बॉयल किए हुए। अब मसालों में छोला को भी हम थोड़ा सा 2 मिनट, 1 से 2 मिनट इसको हम भून लेंगे मसालों के साथ, ताकि छोलों में बहुत बढ़िया सा टेस्ट आ जाए। तो इसको हम चला देंगे। और 1 चम्मच ये हम कसूरी मेथी लिए हैं, इसको इस तरह से हमने क्रश करके इसमें डाल देंगे और इस ये भी छोला के साथ हल्का सा भुन जाएगा, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा।
वाह, छोले से खुशबू बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत ही हमारा छोला टेस्टी बनने वाला है। तो छोला भी हमारा अच्छे से मसालों में भुन गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो इसमें हम आधा चम्मच, छोटा चम्मच है, गरम मसाला का पाउडर डाल रहे हैं और यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। और इसमें हम पानी डालेंगे। तो ये मैं एक कप पानी डाल रही हूँ और इसमें एक कप और मैं पानी डालूँगी। यहाँ पे हम दो कप पानी का प्रयोग की हूँ और आप इधर देख सकते हैं ये जो चाय पत्ती वाला पानी मैं जो रखी थी ये अच्छे से कलर अपना चाय का कलर आ गया है। तो इसको भी हम आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से कलर आ गया है चाय का। तो इसको भी हम इसी में छान लेंगे। ये बहुत डालना जरूरी होता है फ्रेंड्स, ये बहुत इससे छोला का टेस्ट अच्छा आता है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा सा हम यहाँ पे ज़्यादा डाले हैं इसलिए कि हम छोला को बॉयल नहीं किए हैं, डायरेक्ट पका रहे हैं। तो पानी का प्रयोग मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रखी हूँ। और अब इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, ये है बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा जिसे कहते हैं। इसको डालने से हमारा जो छोला है अच्छे से पक जाएगा, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम ढक्कन लगा करके एक सीटी आने तक वेट करेंगे। तो इस तरह से हम ढक्कन को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे एक सीटी हम इसको आने देंगे। एक सीटी आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो करके और इसको हम 7 से 8 मिनट तक और पका लेंगे। तो गैस का फ्लेम अब हम बंद करेंगे। 7 से 8 मिनट हो गया है एक सीटी आने के बाद दोबारा पकाते वक्त। तो अब इसको हम गैस से नीचे उतार लेंगे और इसका हम थोड़ा सा प्रेशर ठंडा होने तक वेट करेंगे इसका प्रेशर। तो अब हमारा प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल गया है। अब हम आपके छोला को चेक करते हैं। वाह, छोला बहुत ही यम्मी बना है, आप देख सकते हैं। इसमें मीठा सोडा डालने से कुछ छोले हमारे एकदम अच्छे से गल गए हैं और कुछ छोले हमारे इसमें खड़े खड़े हैं। आपको हम चेक करके भी दिखा रही हूँ। इस तरह से चम्मच से हम ऐसे हम दबा रहे हैं तो छोले आसानी से एकदम दब जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मिस जा रहे हैं, एकदम मैसी सा हो जा रहे हैं। यानी छोला हमारा बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बन गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ हरा पत्ता धनिया फ्रेश कटा हुआ इसको इसमें डाल देंगे, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा। तो अब इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम एक प्लेट में कटोरी में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना एकदम यम्मी हमारा छोला दिख रहा है, बहुत ही ये स्वादिष्ट टेस्टी बिना लहसुन प्याज के ये हम बनाए हैं। देखने से पता आपको नहीं चल रहा होगा कि ये बिना लहसुन प्याज का है, बहुत ही स्वादिष्ट हमारा छोला बना है। इस ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्त मित्र में अधिक से अधिक इसको शेयर करिए वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।